हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनीष यादव ने अपने क्षेत्र में एक के बाद दिन भर से ज्यादा दौरे किए। मनीष यादव ने डोर टू डोर कर लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगे, जिसमें वजीरपुर की तरफ से एक मत सभी ग्रामीणों ने समर्थन किया। मनीष यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने पूरे प्रदेश में समान कार्य करवाए हैं, और जहां पहले क्षेत्रवाद की राजनीति नजर आती थी, अब समाजवाद की राजनीति दिखाई पड़ती है। मनीष यादव ने यह भी कहा कि अमित शाह के आने से उन्हें एक शक्ति मिली है और उससे कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश आया है, जिससे पूरे इलाके में बीजेपी के प्रति विश्वास बना हुआ है। देखिए, ये पूरा परिवार, पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने वाला गांव है। चाहे कोई भी चुनाव हो, पूरे गांव ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सपोर्ट किया, और आज उसी प्रकार से इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी पूरे गांव का आशीर्वाद मुझे मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा का पूरा गांव 21 तारीख को एक तरफा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजयी बनाएगा। अमित शाह जी का आशीर्वाद कल मुझे जनसभा में ही मिला और उसका एक बहुत अच्छा संदेश जनता के बीच में गया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता को यह आश्वस्त किया कि जिस प्रकार का आशीर्वाद वो मुझे देंगे आने वाले समय में, उससे कई बढ़ चढ़कर मैं जनता की सेवा करूंगा। और उनके आने से लोगों में बहुत उनका मनोबल बढ़ा है, और जो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, अब उनके आने से और उस माहौल को तेजी मिली है और एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।